नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। रीवा की लड़की अनीशा शुक्ला ने 500 में से 489 नंबर लेकर प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाई, छात्रा सरस्वती स्कूल नेहरू नगर की। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को अपना परीक्षा परिणाम घोषित किया। इस घोषित परिणाम में सरस्वती स्कूल नेहरू नगर की छात्रा ने प्रथम 10 में अपना स्थान बनाया। हम बात कर रहे हैं अशोक शुक्ला और ममता शुक्ला की पुत्री अनीशा शुक्ला की। 27 जुलाई 2003 को पैदा हुई अनीशा ने वह कारनामा कर डाला जिसके सपने हर वह छात्र देखता है जो स्कूल जा रहा होता है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने का मादा बहुत कम छात्र रखते हैं। हम आपको बता दें, अनीशा एक साल पहले तक इंग्लिश मीडियम की छात्रा थी। वह ज्योति स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन कक्षा 10 में उसने अपने माता के कहने से नेहरू नगर स्थित सरस्वती स्कूल में दाखिला ले लिया। अंग्रेजी मीडियम से हिंदी मीडियम में आने पर भी उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं हुआ, यह उसके नंबर देखकर कहा जा सकता है। गणित में 100 में 100, अंग्रेजी में 100 में 96, साइंस में 100 में 98, हिंदी में 100 में 97, सोशल साइंस में 100 में 92 और एकदम नए विषय संस्कृत में 100 में 98 नंबर लेकर उसने एक इतिहास ही रच डाला। प्रदेश में प्रथम 10 में स्थान या कोई मामूली उपलब्धि नहीं। अनीशा अपनी सफलता का श्रेय माता पिता सहित अपने गुरुजनों को देती है। वहीं अपनी बिटिया की सफलता से खुशी पिता के मुख से तो शब्द ही नहीं निकल रहे। हमने अनीशा की माता पिता सहित गुरुजनों से अनीशा की सफलता को लेकर बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। किसी जमाने में कहा जाता था कि रीवा के छात्र पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं। बदलते वक्त के साथ लोगों की यह धारणा भी बदल गई। आज रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट ने एक ऐसा कमाल किया है जिससे पूरा रीवा आज खुश है। हमारे साथ छात्रा मौजूद है, छात्रा का परिवार मौजूद है, पूरे स्कूल के प्राचार्य मौजूद हैं। सरस्वती स्कूल की वह छात्रा है। हम सीधे बात करते हैं छात्रा से, उसने कितने किस तरीके से अपनी सफलता पाई, बताइए किस तरीके से आपको अपनी सफलता मिली। मुझे अपनी सफलता पूरी तरह से मम्मी पापा के साथ से मिली। उन्होंने हमेशा मेरा मदद किया। जहाँ भी मैं कंफ्यूज हुई, टीचर्स हमेशा मेरे साथ रहते थे। मैंने लगातार पढ़ाई की, और ये भी नहीं है कि हमेशा पढ़ाई, मैं रात को पढ़ पाती थी इसलिए मैं सिर्फ रात को ही पढ़ती थी, और सुबह लेट से उठने में मुझे डांट भी मिली, पर फिर भी मेरी सफलता का कारण सिर्फ यही है। आपने स्कूल बदला, पुराने स्कूल और नए स्कूल में क्या अंतर महसूस हुआ? अंतर तो यही था कि मैंने अपनी पढ़ाई को स्कूल में और गंभीरता से लिया। यहाँ मैंने उस चीज को और अच्छे से समझ के पढ़ा, जो चीज मैं कभी बस एक बार पढ़ लेती थी कि हाँ मुझे नंबर पाने हैं, पर यहाँ मैं उस चीज को और समझ के पढ़ने लगी। हमारे साथ जैसे कि बिटिया ने बताया कि उसकी पूरा श्रेय अपनी मम्मी को और पापा को देती, परिवार को देती, गुरुजन को देती। बिटिया की मदर भी यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बता दें, वो भी उसी स्कूल की छात्रा नहीं है जिस स्कूल से उनकी बिटिया ने टॉप किया है। बताइए, आपने आपके स्कूल से आपकी बिटिया ने टॉप किया, कैसा महसूस हो रहा? मुझे इस बात में आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा एक जो निर्णय मैंने बिटिया को इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में जैसे मैंने डाला और आज वो मेरिट लिस्ट में आई है, मेरे लिए बहुत बड़े गर्व, बहुत बड़े अभिमान की बात है। एक बेटी होने पर आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है। बेटी हो तो अनीशा जैसी, एक बाइक सर, बेटी हो तो अनीशा जैसी हो। जी बताए। इतने ही लोग नहीं, मेरी सफलता के पीछे और भी कुछ लोगों का नाम है, जिसमें मैं नाम लेती हूँ श्री आरएन तिवारी सर का, श्री विनय दुबे सर का, मिसेस प्रेमलता शर्मा मैडम का, जिन्होंने हमेशा मुझे मेरा साथ दिया और मुझे हर चीज अच्छे से समझाई। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खुशी बच्चों के दादा को होती है, तो हमारे साथ दादा भी मौजूद है। बताइए, आपकी पोती ने आज एक ऐसा कारनामा किया है जो कि बहुत कम लोग बच्चे कर पाए रीवा में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही। और क्या कहना चाहेंगे? अब ये परिवार वालों का सहयोग ही है, लेकिन ये प्रधानाचार्य प्राचार्य महोदय एवं आचार्य का अच्छा सहयोग था। बताइए, आप बेटी के पिता हैं, आज आपको निश्चित रूप से गर्व महसूस हो रहा, पूरा रीवा गर्व कर रहा है, कैसा आप किस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसे सफलता प्राप्त करती रहे, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनका सहयोग किया इसका, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार का और जो गुरुजन हैं उनका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य भी मौजूद हैं।
हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे स्कूल में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है, किस तरीके का वहां पर वातावरण। हालांकि ये बात तो आज के रिजल्ट ने वैसे भी तय कर दी है, एक स्कूल एक पढ़ाई के मामले में अव्वल दर्जे पर है। हमारे साथ मौजूद है नागेंद्र सिंह जी, मैं प्राचार्य उनसे बात करूँ। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने की शिक्षा दी जाती है। बौद्धिक प्रतियोगिता, विज्ञान प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं, इस तरह की बहुत सारी प्रतियोगिताएं। और विज्ञान प्रतियोगिता में प्रश्न मंच में ये बच्ची अपनी टीम के साथ गई थी, उड़ीसा गई थी, और वहाँ पर अखिल भारतीय प्रतियोगिता में इन्होंने तीसरा स्थान अखिल भारतीय प्रतियोगिता में इन्होंने अर्जित किया था। इस तरह की प्रतिभावान छात्रा हमारे विद्यालय की है और हम लोग सतत बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, अभिभावक से मिलते रहते हैं, उनसे गाइडलाइन लेते रहते हैं, उनसे गाइडलाइन लेते भी रहते हैं, लेना देना दोनों काम हम लोग चलते रहते हैं, तब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। 500 में 489 नंबर, 11 नंबर कम है, 11 नंबर कम होने से पूरे प्रदेश में 10वीं पोजीशन। इसी बीच हमारे पास साथ जुड़ गई हैं बिटिया की दादी, हम उनसे भी बात करेंगे। आज आपकी पोती ने टॉप किया, क्या बोलेंगी आप? कैसा लग रहा है? और कुछ बोलना चाहें बताएं, पूरे रीवा आपको देख रहा, क्या कैसा, क्या बोलेंगी आप? इस तरह का नेचर आने के बारे में बताइए बेटी, आपने पोती के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से पढ़ती थी, कैसे आप डांटती थी, किस तरीके से उसकी तैयारी करवाती थी? पढ़ाई तो बहुत करती है, परीक्षा के समय मैं सोती नहीं हूँ। हमारे साथ बिटिया के प्राचार्य क्लास टीचर जिन्होंने उसको पढ़ाई में भरपूर मदद की और स्कूल के सचिव, दो लोग और जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बताइए। बहुत खुशी की बात है, हमारी छात्रा ने प्रदेश में मेरिट लिस्ट में अपना नाम स्थान पाया, और हम सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं छात्रा के पेरेंट्स को, माता पिता, हम उनसे सतत संपर्क बनाए रहें एवं उनके छात्रा के पढ़ाई के दौरान संबंध में एक दूसरे की जानकारी देते रहें, उसी का परिणाम है। मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी अभिभावकों को कि वो यदि थोड़ा सा लगन बच्चों में लगा दे तो सभी यह उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। बताइए। ये हमारे विद्यालय परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है, बिटिया को बधाई, आचार्यगण ने इतनी मेहनत की जिसके कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। ये उपलब्धि और अच्छी इसलिए कही जा सकती है क्योंकि ये बच्ची इंग्लिश मीडियम स्कूल से हमारे हिंदी मीडियम विद्यालय में आई है। ये भ्रम है अभिभावकों का कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे का विकास होगा, लेकिन हमारे शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर की जो श्रृंखला है इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास में ध्यान दिया जाता है। बच्ची को न सिर्फ पढ़ाई में एकेडमिक मदद विद्यालय से मिलती है बल्कि खेलकूद में, विज्ञान प्रतियोगिता इत्यादि। इस बच्ची ने विज्ञान प्रतियोगिता में अखिल भारतीय स्थान अर्जित किया था, तो ये विद्यालय परिवार के लिए, आचार्यगण के लिए बड़े गर्व की बात है, रीवा पूरे रीवा के लिए गर्व की बात है। हम बीच में, हम लोगों के बीच में ये उपलब्ध मिली, बच्ची को फिर से बधाई, आचार्य बाजार को बधाई।